बालक लोग लड़ाई करने लगे थे, उनको देखने लगा था। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, किसको किसको जापान में नौकरी करनी है मैं नौकरी दिखाता हूँ आपको। तो आपका भाई ने ना अपनी खुद की कंसल्टेंसी यहाँ पे ओपन कर ली है, जिसको जिसको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो मुझे बता दो, मैं सबको लगवाता हूँ। डिटेल में बात करते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो बैठते हैं कहीं पे। हाँ जी, तो यार जैसे सबको पता होगा कि 2019 से जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो पूरी दुनिया बेहाल हो गई थी, हर जगह एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया था, और वो इस वजह से कि कंपनियां बंद हो गई थी भाई, और कुछ लोग सब कंपनियां वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया था, तो सभी लोग एंजॉय के साथ में जॉब कर रहे थे, तो कोई रिज़ाइन वगैरह कर नहीं रहा था, क्योंकि जब कोई एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाता है तो दूसरे वालों को थोड़ा सा प्रमोशन के चांस होते हैं या फिर न्यू वैकेंसी ओपन होती है, तो वो नहीं हो रही थी, और ऊपर से कंपनियां भी क्लोज हो गई, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था। तो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी पुरानी, तो उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था कि जब मैं भी जॉब अप्लाई कर रहा था ना, जब मैं इंडिया जाने का फैसला ले लिया था कि यार जॉब नहीं मिलती अच्छे तो इंडिया जाना ठीक रहेगा, तो मैं भी जॉब उस टाइम पे अप्लाई करता था तो मुझे कहीं से रिप्लाई नहीं आता था, चाहे जितना बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया था ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं से रिप्लाई नहीं आता था, क्योंकि वो वर्क थोड़ा सा फर्क तो पड़ा था जापान में भी, हालांकि कंपेयर टू अदर कंट्री जापान में थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे भी जॉब की कमियाँ आ गई थी, तो भाई साहब नौकरी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जगह मतलब कि कंसल्टेंसियाँ विजिट की थी बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसियों को जानने लगा। अब धीरे धीरे कोरोना खत्म हुआ ना, तो अब यहाँ पे जापान में होटल इंडस्ट्री वगैरह स्टार्ट हो गई और कंपनियाँ चालू हो गई, तो यहाँ पे अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। वो पार्ट टाइम जॉब में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, बट जो फुल टाइम जॉब है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो उसमें से कई कंपनियाँ, कई कंसल्टेंसी मुझे जानती हैं, तो उसमें से एक कंसल्टेंसी जो मुझे थोड़ी सी अच्छे से जानती है, और वो जानते हैं कि यार ये यूट्यूब वगैरह वीडियो बनाता है, तो उन्होंने मुझे भी 2-3 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने पूछा कि तेरी जॉब वगैरह का क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मेरी जॉब वगैरह तो लग गई है और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे यहाँ पे ओपनिंग आई हुई है बहुत सारी, होटल में, रेस्टोरेंट में और कोजियो में, जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं, जो लेबर वर्क होती है, जो ब्लू कॉलर की जॉब होती है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग चल रही है, तो अगर आपका कोई यार फ्रेंड कोई दोस्त है तो आप उसको सेवखाई कर सकते हो, मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो भाई साहब अगर कोई जापान में हो, अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है, तो मुझे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको उस कंपनी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आप मुझे इंस्टा के थ्रू या फिर इस वीडियो के कमेंट में आस्क कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में तो इंस्टा में ही बता पाऊंगा। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए किसी भी तरह से, अगर कोई परेशान है, कोई किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो मुझे कॉन्टेक्ट करें जल्द से जल्द, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग हो रही है, और जो यहाँ पे अभी ग्रेजुएशन होके बैठे हैं, जिनका वीज़ा मतलब कि उन्होंने किसी और वीज़ा में कन्वर्ट कर रखा है स्टूडेंट से, वो पास आउट हो चुके हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अभी जैसे कि वो नेक्स्ट ईयर सानगाचो मतलब मार्च में जो पास आउट होने वाले हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मुझे डिटेल में बताया था, लेकिन अभी मेरी उनसे मीटिंग होनी है, तो शायद मैं उनके साथ कोलैब भी कर सकता हूँ, बट वो पूरा जैपनीज में होगी, तो मेरे लिए थोड़ा सा काम बढ़ सकता है, तो कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। और अगर कोई जॉब चेंज भी करना चाहता है, अगर कोई ऑलरेडी वीज़ा ले रखा है वर्क वीज़ा, और वो जॉब चेंज करना चाहता है, अगर वो फैक्ट्री वर्कर है, और अगर होटल इंडस्ट्री वगैरह में जानी है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको रिसेप्शनिस्ट वगैरह जॉब मिल जाती है, डेस्क जॉब मिल जाती है, अगर वो भी करना चाहता है, तो अगर कोई जॉब भी चेंज करना चाहता है, तब भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, तो मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और मिल के बात करेंगे। और उनका भी यार उन्होंने मुझे कुछ चार्ज वगैरह तो उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं, पर मुझे लगता है कि हालांकि उनका चार्ज वगैरह है भी नहीं, क्योंकि वो कंपनी को पे करते हैं, तो जिनको भी अगर जॉब करनी हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें कंपनी की तरफ से आपको जो रेव होता है, मतलब जो हॉस्टल टाइप के बोल सकते हो, जो कंपनी की तरफ से मतलब कि रूम रेंट रूम वगैरह मिलता है, तो वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रह सकते हैं, या फिर आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी कोई फैमिली यहाँ पे साथ फैमिली के साथ में रहते हैं, तो आप अलग से भी ले सकते हैं, तो उसका कंपनी शायद प्रोवाइड भी करेगी आपको जो थोड़े जो रेंट होता है, जो 30% या 40% होता है, तो उसके बीच में आपको वो रेंट भी प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो अपने बिहाफ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कंपनी से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी इसलिए कंपनी का नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार वीडियोस वगैरह बना के डाल दो, और आपके जिस तरह की कमेंट आते हैं, रिक्वायरमेंट आते हैं, तो हमें फिर बताओ, तो जो सीरियस बंदा है
तो उसको हमें इंट्रोड्यूस कराओ, क्योंकि और भी कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सीरियस में जॉब वगैरह चेंज करना चाहता है, जॉब लेना चाहता है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो आप अगर जापान में हैं, जापान से कोई चेंज करना चाहते हैं या इंडिया से हैं, और हाँ एक चीज़ और, जो इंडिया में रहता है ना, तो इंडिया के बारे में मैंने पूछा था कि यार अगर इंडिया से कोई जॉब लेना चाहता तो क्या उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास, तो उन्होंने बोला हाँ, बट उसके लिए आपको मिनिमम N3 लेवल पास होना चाहिए आपके पास, जैपनीज का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो इंडिया से जब यहाँ पे अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे कुछ कंपनियाँ मतलब कि डिमांड भी कर लेती है कि दिखाओ, बट ये ज़्यादातर तो मांगती नहीं है, बट यहाँ पे जो होते हैं तो 99% कोई नहीं देखता, बट इंडिया से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और बस इंडिया के लिए N3 लेवल का कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये मेरी जो भी सर्विस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये भाई आप लोगों के लिए सेवा कर रहा है आप लोगों की। क्या अगर आपका भी जापान में जॉब करने का ड्रीम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना ड्रीम पूरा करें, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना जॉब करता हूँ तो थोड़ी जो रोटी पानी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक रुपये किसी से नहीं चाहिए। बस हाँ, आप मेरे वीडियो देखते रहो और प्यार बनाए रहो, सपोर्ट बनाए रहो और वीडियो को शेयर करते रहो। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते किसी और वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जो भी चैनल न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।